हेलो मेरे प्यारे फूडीज, अगर आप भी मेरी तरह नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो आज ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मसालेदार, स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा चटपटी। इसका नाम है चिकन दम बिरयानी। इसको हम घर पे बनाएंगे बहुत ही मसालों के साथ, बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ। तो चलिए चिकन दम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने हाफ के जी चिकन लिया है। इसको हमने 2-3 बार धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये मैंने 250 ग्राम दही ली है, इसको इसमें डाल देंगे। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच बिरयानी मसाला। सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। चिकन हमारा मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है। ये हमने 2-3 हरी मिर्ची ली है, जिसको हमने लंबी साइज में काट लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। ये हमने पुदीने की पत्ती ली है थोड़ी सी, इसको इसमें डाल देंगे। नींबू का रस डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू का रस भी चिकन में अच्छे से मिल गया है। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट के लिए रखा है, हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप चावल लिया है, ये मैंने बासमती चावल लिया है, 1/2 कप चावल और लिया है। यहाँ टोटल मैं 1.5 कप चावल का यूज़ कर रही हूँ। तो चावल को हम धो के साफ़ कर लेते हैं। चावल को हमने धो के साफ़ कर लिया है। अब इसे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। चावल को बॉईल करने के लिए मैंने पानी कर दिया है। ये पानी हमने 1 लीटर के करीब किया है। पानी में उबाल आने देंगे। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा, 7-8 काली मिर्च, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग। सारे मसालों को डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम नमक, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें देसी घी। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस, थोड़ा सा नींबू का जूस डाल देंगे। नींबू का जूस डालने से चावल एकदम सफ़ेद और खिला खिला बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम डालेंगे चावल। चावल को हमने डाल दिया है। चावल को हम 50% कुक करेंगे, 50% इसे हम चिकन के साथ दम में कुक करेंगे। चावल हमारे 50% कुक हो गए हैं। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये टूट रहे हैं और अंदर से हल्के से कच्चे हैं। तो अभी हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चावलों का पानी निकाल कर अलग कर देंगे। चावलों के पानी को हमने ड्रेन कर दिया है। चावल आप देख सकते हो हमारा एकदम सफ़ेद और खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। चावल हमारे ठंडे होते हैं जब तक हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। ये हमारे चिकन को 1 घंटा हो गया है, इसको हमने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। अब हम चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। ये हमने 3 बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। इसको हम फ्राई करके बिरयानी में डालेंगे। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल कर दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम ओनियन फ्राई कर लेते हैं। ओनियन को डाल देंगे। ओनियन को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन ओनियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमें इसको जलाना नहीं है, सिर्फ इसे गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को हमने निकाल लिया है। इसी ऑयल में हम चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल में हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। ये मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये मैंने जावित्री ली है, 3-4 लौंग ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और ये हमने 8-10 काली मिर्च ली है। सारे मसालों को डाल देंगे इसमें। एक हमने तेजपात का पत्ता लिया है। सारे खड़े मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। खड़े मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट। ये हमने 1 प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सारी चीज़ों को थोड़ी देर भून लेते हैं। प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून बिरयानी मसाला। सारे मसालों को मिक्स कर देते हैं।
सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। सारे मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्योरी। ये हमने एक बड़ी टमाटर की प्योरी बना ली है, इसको इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं। सारे मसालों को हम 2 मिनट तक ढक के पका लेंगे। मसाले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मसाले से ऑयल रिलीज होने लगा है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। ये हमने चिकन को इसमें डाल दिया है, मसाले में अच्छे से मिला देंगे चिकन को। ये हमारा चिकन मसाले में अच्छे से मिल गया है। अब इसे हम ढककर पका लेंगे 10 मिनट तक। इसे हमें 50% कुक करना है, 50% हम इसे राइस के साथ कुक करेंगे। जब तक हमारा चिकन कुक होता है हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये हमने 2 बड़े चम्मच मिल्क लिया है, थोड़े से इसमें डाल देंगे केसर के धागे। मिक्स कर देंगे केसर के धागे को, इससे हमारी बिरयानी में कलर और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। ये हमने 2 चम्मच पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, इससे भी बिरयानी में कलर बहुत अच्छा आएगा। चिकन को हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा चिकन 50% कुक हो गया है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और चिकन को साइड में रख देते हैं। अब कुकर लेंगे, अब इसमें चिकन की लेयर डालेंगे। ये हमने चिकन की लेयर लगा दी है, अब इसके ऊपर डालेंगे हम राइस की लेयर। ये हमने इसके ऊपर राइस की लेयर लगा दी है, अब इसके ऊपर डालेंगे फ्राइड ओनियन। फ्राई ओनियन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी में। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्ती, पुदीने की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है बिरयानी में। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध। अब थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर फूड कलर। कलरफुल चावल बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। अब इसके ऊपर रख देंगे हम 2 रेड चिली। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऊपर से घी। घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। ये हमारी चिकन बिरयानी की एक लेयर लगकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह हम दूसरी लेयर भी लगाएंगे, ऊपर से चिकन डाल देंगे। ये हमने इसके ऊपर चिकन की लेयर भी डाल दी है। अब इसके ऊपर डालेंगे राइस की लेयर। ये हमने इसके ऊपर राइस की लेयर भी लगा दी है। अब इसके ऊपर डालेंगे फ्राइड ओनियन। अब डालेंगे इसके ऊपर पुदीने की पत्ती। अब इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। अब इसके ऊपर डालेंगे हम केसर वाला दूध। अब डालेंगे इसके ऊपर ऑरेंज फूड कलर। अब डालेंगे इसके ऊपर लाल मिर्ची। अब डालेंगे ऊपर से 1 चम्मच देसी घी। ये हमारी चिकन की और राइस की दोनों लेयर लगकर तैयार हो गई हैं। अब इसे हम दम करने के लिए रखेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। हमारे कुकर में 1 सीटी आ गई है। अब कुकर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसे खोलेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो गया है, कुकर को खोल लेते हैं। ये हमारी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये हमारी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बनी है ना हैदराबादी रेस्टोरेंट स्टाइल। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी फ्राई ओनियन। ये हम लगा देंगे इसके ऊपर थोड़ी सी पुदीने की पत्ती। थोड़ा सा ओनियन रख देंगे इसके ऊपर और रख देंगे इसके ऊपर नींबू। आप ओनियन और इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।